हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल भूमिक फैमिली ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड, आप सब सोच रहे होंगे कि ये हिंदी में बात क्यों कर रही है। तो फ्रेंड, मेरे ना बहुत सारा सब्सक्राइबर जो कि नॉन बेंगोली है, बंगाल की बाहर से है, तो उनको ना मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आते। जब मैं बेंगोली में ब्लॉगिंग करती हूँ ना, तब उनको समझ में नहीं आता है कुछ भी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग मैं हिंदी में स्टार्ट करूं, तो उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आज की ब्लॉग हिंदी में स्टार्ट कर रही हूं। तो हिंदी तो मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप लोग देख ही सकते हो, हम लोग अभी आ गए हूँ मार्केट में, और आज की ब्लॉगिंग मैं मार्केट से स्टार्ट कर रही हूँ। ये है उत्तराखंड श्रीनगर की एक बहुत ही फेमस मार्केट, गोला मार्केट। इस गोला मार्केट में ना कोई भी फेस्टिवल्स के पहले ऐसे ही मेला जैसा ठेला लगाया जाता है, जहाँ पे ना ज़रूरत की सारी सामान मिल जाता है आसानी से। तो होली फेस्टिवल्स के पहले भी ऐसा ही मेला जैसा ठेला लगाया गया है यहाँ पे। आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितना सारा स्टॉल है। यहाँ पे देखिए, एक चश्मे की दुकान भी है, चश्मे की ठेला, वहीं पे हम लोग चश्मे देख रही थी। और साइड में कलर्स के बहुत सारे स्टॉल भी है, और कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा सामान भी है यहाँ पे। देखिए कितना सारा कलर्स, वाटर बेलन, वाटर गन, सब कुछ है। और हम लोग यहाँ से कुछ कुछ सामान खरीद लेंगे बच्चों के लिए, जो जो उन्हें चाहिए। तो हम लोग अभी यहाँ से कुछ सामान खरीद लेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो जो सामान हमें चाहिए वो सब कुछ ले लिया है। आप लोग देख ही सकते हो, वाटर गन, वाटर बेलून, कलर, सब कुछ हम लोगों ने ले लिया। अभी हम लोग आ गई हूँ पापड़ की दुकान में। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे कितने सारी वेराइटीज़ की पापड़ है। श्रीनगर में ना होली के दिन बहुत सारी गुजिया, पकौड़ी, पापड़ ये सब बनाया जाते हैं, इसलिए पापड़ भी हम लोगों ने ले लिया। अभी हम लोग आ गई हूँ एक स्टेशनरी शॉप पर, वहीं पर इस राधा कृष्ण की मूर्ति है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे टॉयज़ है बच्चों की, खिलौना और डॉल्स भी है बहुत सारा, फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और बहुत सारा डॉल भी है अंदर, मेरी बेटी को तो डॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वही चूज़ करने लग गई है कौन सा डॉल उसे लेना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ होली के दिन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हैप्पी होली।